नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी की तरफ से। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा सीट पर धर्मेंद्र यादव को लोकसभा का टिकट दे दिया है। 2019 के चुनाव में आजमगढ़ से अखिलेश यादव जीते थे, निरहुआ लड़े थे, हार गए थे भारी अंतरों से। लेकिन जब उपचुनाव होता है तो निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को लोकसभा में हरा दिया था। वहीं पर निरहुआ अब की बार फिर एक बार मुकाबला होने वाला है। निरहुआ का मुकाबला होने वाला है धर्मेंद्र यादव से। धर्मेंद्र यादव को अखिलेश यादव ने लोकसभा का टिकट दे दिया है। लोकसभा के टिकट को लेकर के धर्मेंद्र यादव ने अखिलेश यादव को लेकर के क्या ट्वीट किया है आपके सामने दिखाने जा रहे हैं। इन्होंने कहा है, आज समाजवादी पार्टी द्वारा मुझे एक बार फिर पुनः आजमगढ़ क्षेत्र का प्रत्याशी बनाए जाने पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। एक तरफ आजमगढ़, जहां श्रद्धेय नेताजी की धड़कन रही है, जहां से स्वयं श्रद्धेय नेताजी को आजमगढ़ की सरजमी ने अपना अपार स्नेह और आशीर्वाद दिया, वहीं दूसरी तरह आजमगढ़ की महान देवतुल्य जनता ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी एवं स्वर्गीय इंद्रजीत यादव जी, स्वर्गीय राम नरेश यादव जी सहित कई समाजवादी पुरोधाओं को अपना आशीर्वाद दिया है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आजमगढ़ की जनता हमें अपना आशीर्वाद देगी। हम सभी मिलकर श्रद्धेय नेताजी के सपनों विचारों को आगे बढ़ाते हुए आज आदरणीय अखिलेश यादव जी के शीर्ष नेतृत्व में देश को नए मुकाम पर ले जाने का काम करेंगे। आजमगढ़ की ऐतिहासिक सरजमी एवं देवतुल्य जनता का आशीर्वाद एवं आकांक्षी। यहाँ पर एक भावुक अपील है इनसे इनकी। वहीं पर आपने पिछले दिनों देखा होगा, आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव की जीत को आसान बनाने के लिए गुड्डू जमाली को समाजवादी पार्टी ने अपने कब्जे में ले लिया, यानी कि अपने साथ ले लिया। जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, उन्हीं के लोकसभा चुनाव लड़ने के कारण जहां पर बहुजन समाज पार्टी एक तरफ उपचुनाव नहीं लड़ाती है और वहां पर गुड्डू जमाली जैसे नेता को उतार देती है मैदान में, और गुड्डू जमाली उस इलाके के बहुत ही मजबूत एक सामाजिक व्यक्ति हैं, जो 2022 के विधानसभा में चुनाव में लड़े थे, जिनको सपा बसपा से कहीं से टिकट नहीं मिला था, ओबीसी की पार्टी से भी टिकट मिला था। तो 38,000 वोट पाना विधानसभा में कोई मामूली बात नहीं होती है, वो भी ओबीसी की पार्टी से। हालांकि आजमगढ़ में अब सीधा जो मुकाबला होगा, सीधा सीधा मुकाबला होगा निरहुआ का और धर्मेंद्र यादव का। धर्मेंद्र यादव एक बार जब हारे थे तो 8,000 वोटों से चुनाव हारे थे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, 2024 के चुनाव में निरहुआ आजमगढ़ की धरती से लोकसभा का चुनाव हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि 8,000 वोट कोई बहुत बड़ा वोट टॉप परसेंटेज नहीं होता। मेन चुनाव नहीं था, उपचुनाव था। लोग जो मुस्लिम वर्ग है, जो अन्य वर्ग है, एक तरफ बदलाव देखना चाहते थे। थोड़ा सा बदलाव इन लोगों ने देखा, हालांकि कोई ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला हुआ है। आजमगढ़ को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ चुकी है। आजमगढ़ हो, कन्नौज हो, बदायूं हो, वैसे आप मैनपुरी को देखें, ऐसी तमाम दर्जनों सीटें हैं, फिरोजाबाद हो, ऐसी दर्जनों सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को परेशानी होने जा रही है 2024 के चुनाव को लेकर के। आपकी क्या राय है, आजमगढ़ में कौन जीतेगा, कमेंट करके आप हमें जरूर बताइए। नमस्कार।